नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियां। जस्ट टेल मी हाउ पावरफुल इज टर्की। क्या टर्की दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल नेशंस में से एक है? अपन अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं उतर सकते, किसी कंक्लूजन पे नहीं उतर सकते, क्योंकि अपन ने वीडियो देखा नहीं है ना। तो इस वीडियो को देखिएगा, पूरा छोटा सा वीडियो है, इसका रिएक्शन कर देते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि हाँ या ना, पावरफुल है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द रील्स दैट आई पुट देयर। बड़ी ही ज्यादा फन में बना रही हूँ मैं रील्स। अभी कुछ दिन से तो अपलोड करी नहीं है, पर आज फुल ऑन मूड में मोबाइल रील बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। पर एक बार टर्की को देख लो, उसकी पावर का अंदाजा लगा लो, उसके बाद इंस्टाग्राम पे जाना। तुर्की कितना ताकतवर है। इस्लामी दुनिया में अगर कोई एक मुल्क अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करता है तो वो तुर्की ही है। इसकी एक मिसाल हाल ही में देखने में आई, जब अमेरिका ने इसराइल में अपना सफारतखाना मकबूजा बैतुल मुकद्दस मुंतकिल करने का अमल शुरू किया तो तुर्की ने इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लिए। तुर्की के पास एटमी हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी उसका शुमार दुनिया की बड़ी ताकतों में होता है। आखिर तुर्क कौम की ताकत क्या है और तुर्की कितना ताकतवर है, हम देखते हैं। वैसे तो तुर्की का रकबा पाकिस्तान से कम है, इस रकबे में मौजूद पानी और आबादी भी पाकिस्तान से थोड़ी है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की की सबसे बड़ी कुव्वत उसका जुग्राफिया ही है। वो यूं कि यूरोप और एशिया के संगम पर वाकिया होने की वजह से तुर्की दोनों बरआज़मों का दरवाज़ा बन चुका है। इस जुग्राफिये की इतनी अहमियत है कि अमेरिका और रूस दोनों चाहते हैं कि तुर्की उनके कैंप में रहे, और तुर्की अपनी इस अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन यही जुग्राफिया तुर्की की कमज़ोरी भी है, क्योंकि हर साल एशिया से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद लाखों लोगों का एक सैलाब तुर्की में आ जाता है, जो तुर्की के लिए एक बड़ा मौशी चैलेंज खड़ा कर देता है। यूरोप समझता है कि तुर्की ऐसे तारकीने वतन को रोकेगा, जबकि तुर्की के लिए उन्हें रोकना, अपने मुल्क में ठहराना या वापस भेजना, तीनों काम ही दर्दे सर बन जाते हैं। 2015 में ईरान कुर्दी की तुर्क साहिल से मिलने वाली लाश ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन बनना चाहता है, लेकिन इसका जुग्राफिया ही इसमें सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के शहरी बगैर वीज़े के सारे यूरोप में घूम सकते हैं। अगर तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन बनता है तो हर साल एशिया से आने वाले लाखों तारकिन वतन भी बआसानी यूरोप में चले जाएंगे। इसलिए तुर्की की सरतोड़ कोशिश के बावजूद यूरोपीय यूनियन इसे अपना रुकन बनाने से इनकारी है। माशी लिहाज से देखें तो तुर्की 863 अरब डॉलर GDP के साथ दुनिया की 17वीं बड़ी मुआशी ताकत है। तुर्क मईशत में सियाहत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हर साल दुनिया भर से 70 लाख सयाह यहाँ आते हैं। इसके अलावा तुर्की में गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल की सनत ने भी बहुत तरक्की की है। फौजी मैदान में तुर्की की अहमियत और भी ज़्यादा है। तुर्की दुनिया की 8वीं बड़ी फौजी ताकत है, जबकि पाकिस्तान 13वीं, भारत 4थी और चीन 3री बड़ी फौजी ताकत है। नेटो का रुकन होने की वजह से कोई मुल्क तुर्की के फौजी मुफादात को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा करने की सूरत में उसे मगरबी फौजी इतिहाद नेटो से भी जंग करना पड़ेगी। नेटो इतिहाद में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फौज तुर्की की ही है, जिसकी तादाद 4,10,000 है। तुर्की के पास 1,018 लड़ाका तैयारें हैं। तुर्की अमेरिका के तावुन से F-16 मैनुफैक्चर भी करता है, जबकि नेटो का रुकन होने के नाते इसे रेडार की नज़रों से बचकर उड़ने वाले अमरीकी F-35 तैयारे भी मिलेंगे। लेकिन इसके लिए अमेरिका तुर्की ताल्लुकात में आई खराबी को भी ठीक करना होगा। अमरीकी दबाव के बावजूद तुर्की नेटो का वाहिद रुकन मुल्क है जो रूस से जदीद मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। तुर्की को अपने जुग्राफिये और इस्लामी ममालिक में अहमियत की वजह से वसी सियासी कुव्वत भी हासिल है। जब अमेरिका ने बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया तो तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाकर
बैतुल मुकद्दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार दे दिया। तुर्की के इस इकदाम ने मुसलमानों के दिल जीत लिए थे। ताहम जदीद फौज और मुआशी ताकत के बावजूद तुर्की तेज़ी से मसाइल का शिकार भी हो रहा है, जिनमें दो मसाइल बहुत बड़े हैं। पहला मसला तो ये है कि तुर्की की कुर्द अकलियत ने आज़ादी की तहरीक शुरू कर रखी है। इन कुर्दों ने अब तुर्की की सरहद के साथ शाम और इराक में भी अपने फौजी अड्डे कायम कर लिए हैं। तुर्की ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शाम के शुमाली इलाके पर कब्जा कर लिया है और इराक में भी उसकी फौज दाखिल हो चुकी है। इसी फौजी मुदाखलत की वजह से तुर्की को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की का दूसरा बड़ा मसला यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से खराब ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन को कुर्दों और सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयों पर तुर्की से शिकायत है, लेकिन अमेरिका से तुर्की के इख्तलाफात की वजह ज़्यादा संगीन नौयत की है। 2016 में जब तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया तो इस साजिश का इल्ज़ाम तुर्की ने फतेहुल्ला गोलन पर लगाया था। फतेहुल्ला गोलन उस वक्त अमेरिका में बैठे थे। तुर्की के मुतालबे के बावजूद अमेरिका ने फतेहुल्ला गोलन को तुर्की के हवाले करने से इनकार कर दिया था। ये इल्ज़ाम भी सामने आया कि तुर्की में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डा भी फौजी बगावत में इस्तेमाल हुआ है। इन वाक़यात के बाद तुर्की ने अमरीकी कैंप से हटकर रूस से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। इन बड़े मसाइल के अलावा तुर्की का अपने हमसाया मुल्क यूनान से भी जजीरा कब्रस यानी साइप्रस के मामले पर तनाज़ा चल रहा है। तुर्की ने यूनान को शिकस्त देकर साइप्रस के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ताहम दुनिया ये कब्ज़ा तस्लीम नहीं करती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की तेज़ी से रूस और ईरान के करीब हो रहा है। पाकिस्तान और कतर से भी उसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ताहम शाम, इराक, इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका से उसके ताल्लुकात काफ़ी हद तक कशीदा हो चुके हैं। यूं देखा जाए तो तुर्की अपनी बेहतरीन जुग्राफियाई पोजीशन, मुआशी तरक्की, नेटो की रुकनियत और फौजी ताकत की वजह से दुनिया की एक बड़ी ताकत है। ताहम कुर्दों की बगावत, अमेरिका और यूरोप से मुसलसल कशीदा ताल्लुकात और हमसाया मुमालिक की बिगड़ती सूरत हाल ने तुर्की के लिए बड़े चैलेंज पैदा कर दिए हैं। देखो सुनो जानो पे हम आपको दुनिया के बड़े मुमालिक की ताकत और उनकी कमजोरियों से आगाह करते हैं ताकि हम बतौर पाकिस्तानी इन मुमालिक से कुछ सीख सकें। ओके, सो दिस वाज ऑल द डाटा ऑफ तुर्की के तुर्की कितना पावरफुल है, कितना नहीं है, कहाँ कहाँ उसने हुकूमत करी है। इट वॉज अ शॉर्ट पावर पैक्ड वीडियो, मतलब काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा भैया ने कि भैया ऐसे ऐसे करके तुर्की इज अ पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। मतलब आर्मी की अगर बात करें तो 13वें नंबर पर आता है एंड इट्स अ गुड नंबर। इतनी सारी कंट्रीज में से अगर आप वर्ल्ड के टॉप 13 में आ रहे हो सो इट्स अ गुड थिंग, राइट। और वो सीरीज है ना उर्तुरुल गाजी, वो भी तो टर्की की है इफ यू गाइज रिमेम्बर। उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी उठे थे बाय इस्लामोफोबिक कंट्रीज के इसको बैन करो, इसको बंद कर दो, बट टर्की सच अ पावरफुल नेशन के उन्होंने बिल्कुल भी उस चीज को तवज्जो नहीं दी और बंद नहीं किया उर्तुरुल गाजी को, और पूरी वर्ल्ड में कोई भी कहीं से भी बैठकर देख सकता है ऑन यूट्यूब। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी तो आते ही हैं यहाँ पे, रोज मैं वीडियोज बनाती हूँ, रोज आप मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। तो अगर पहली बार देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप ही के लिए इन वीडियोज को बनाया जा रहा है। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मुझसे रोज मिलना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और मेरे एक और यूट्यूब चैनल पर भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।